ये रंग बिरंगे छोटे छोटे घर, क्या नजारे हैं। छोटा सा वाटरफॉल है, तो भाई कुछ खाता पीता नहीं है क्या? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, जैसे आपको मेरे पीछे ही दिख रहा होगा जंगल ही जंगल। तो हम आए हैं अभी जो पाप गांव है मक्कू से 2-3 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है पाप, उससे 1 किलोमीटर आगे पे। और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ यहीं पे जो है अपने ब्लॉग की शुरुआत करी जाए। और आज हम यहाँ से जा रहे हैं गोपेश्वर, और सडन ही प्लान हुआ कि गोपेश्वर जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा कुछ काम है, तो उस काम को निपटा के फिर वहाँ से आज स्टे करेंगे शायद, जैसा भी टाइम लगेगा। तो आज का जो स्टे हमारा होगा वो होगा गोचर में, क्योंकि गोचर में है मेरे नानी का गांव, तो आज वहाँ रुकेंगे। और मैं हो गया, और मेरे साथ है सतीश भाई, वो अभी आगे जा रखा है क्योंकि जैकेट वगैरह पहन रहे हो, तो मैं थोड़ा साइड में हूँ। तो ये रही अपनी धन्नो, और इसके साथ ही जा रहे हैं हम गोपेश्वर। जैसे ही घर से थोड़ा ऊपर आए ना भाई साहब, इतनी भयंकर वाली ठंड है ना, इतनी भयंकर वाली। वैसे तो जैकेट वगैरह हमने ले रखी है यहाँ पे, मतलब घर से लेके आए हैं, तो जैकेट वगैरह पहनेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद निकल जाएंगे सफ़र की ओर। ठीक है, सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं मक्कू बैंड से थोड़ा ऊपर वे, और यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे। पराठे के लिए हमने अंदर बोल दिया है, तो पराठे खाते हैं और फिर यहाँ से करेंगे फिर अपने सफ़र की शुरुआत। यहाँ पे करे जाएंगे अपने पराठे तैयार, जो पहाड़ी जो चूल्हा होता है इसमें। और अभी यहाँ पे आलू छिले जा रहे हैं। तो भैया कहाँ के हो आप? उखीमठ के हो? तो अपना छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला हुआ है, जो कि भैया जी हैं अपने उखीमठ से। चटनी तो नाश्ता वगैरह करके हम आ गए हैं बाहर पे, और पराठे जो इतने अच्छे बनाए थे ना, मज़ा आ गया। और यहाँ पे सुकून भी है, ऐसी जगह पे आगे सुकून नहीं मिलेगा तो और फिर क्या मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं फिर अपने सफ़र की शुरुआत। हम पहुंच चुके हैं चोपता से थोड़ा आगे पे, और वहाँ पे जो है बारिश बहुत भयंकर वाली लग रही थी। और मेरे जो सामने दिख रहे हैं आप, ये वाटरफॉल भाई साहब, मैंने पहले भी बताया था जो हम आंखों से देख पाते ना, तो उसका 50% जो है हम कैमरे से ही दिखा पाते हैं, जो कि हमारे पीछे है वाटरफॉल। आप नज़ारे देख सकते हो, ये बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों के बीच में ये रंग बिरंगे छोटे छोटे घर, और इन घरों के नीचे से जाती हुई ये वाटरफॉल। भाई साहब क्या लग रहा है यार। बाकी फ्लो में तो हम आगे आ चुके हैं, और हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये इतना सा वाटरफॉल। अगर आप उत्तराखंड में आते हो ना, अगर ये चीज आपको देखने के लिए ना मिले, बेकार है। करते हैं
अपने सफर की शुरुआत यहाँ से। ठीक है, सफर में चलते चलते मिल गए हमें एक प्यारी सी चीज, और वो प्यारी सी चीज पता क्या है? ये देखिए कितना छोटा सा वाटरफॉल है। ओ भाई, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? उत्तराखंड में आते हो ना, ये चीज आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगी। बाकी हम लोगों ने तो देख लिया क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं जनाब। चलते चलते हम पहुंच गए अभी एक खूबसूरत सी जगह पे। जी हाँ, इस जगह का नाम है गोपेश्वर टाउन। मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये गोपेश्वर शहर है, मार्केट है। मैं भी शहर में मैं पहली बार जाऊंगा, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो आप। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोपेश्वर, और यहाँ पे चाय के लिए बोला था हमने रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे चाय है नहीं, तो अभी हमने हॉट कॉफ़ी मंगाई है, तो हॉट कॉफ़ी पीते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हमने काम कराना है, उसके बाद देखते हैं, जैसे ही काम होगा उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे गुर्जर के लिए। चार बार हमारा भाई का अभी तक काम नहीं हुआ यहाँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब यहाँ से काम होगा और कब यहाँ से हम गौचर के लिए निकलेंगे। चुके हैं 5 और अभी भी काम हमारा पूरा नहीं हुआ, और ये आप देख सकते हो हमारे पीछे बारिश लगनी स्टार्ट हो चुकी है, और हम कब तक इस बारिश में गौचर पहुंचेंगे। थोड़ा नीचे आते आते चमोली में पहुंच गए, और चमोली में आते आते ही जो गाड़ी का जो ब्रेक होता ना वो फेल हो चुका है, तो इसकी थोड़ा रिपेयरिंग चल रही है यहाँ पे, क्योंकि इस बारिश में जो है बिना ब्रेक के चलना बहुत रिस्क का काम होता है, इसीलिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है। पता नहीं, देखते हैं कब तक ठीक होता है। बाकी टाइम भी 6:30 हो गया है, और गौचर पहुँचना है लगभग यहाँ से 1 घंटा तो लगेगा गौचर पहुँचने में। जो ब्रेक थे उन्हीं में थोड़ा सा कमी निकली, और यहाँ पे ब्रेक थोड़ा सा बहुत ज्यादा, तो इसके बाद जो है प्लेट बराबर, हाँ, तो गाड़ी के जो है ब्रेक चेंज कर दिए गए हैं, और इसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से, है ना, क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है। इधर आ जा, किसी को काट कूट गया तब ब्रेक चेंज है जबरदस्त।